बौद्ध भिक्षुओं के 13 सदस्यों का दल बाड़मेर पहुंचा। विश्व शांति की कामना को लेकर पदयात्रा पर निकला यह जत्था थाईलैंड से म्यांमार होते हुए भारत पहुंचा। अब यह जत्था पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। सोमवार को पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिबंधित इलाके में बिना अनुमति प्रवेश पर चलते रोक दस्तावेजों की जांच की। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सामरिक महत्व के क्षेत्र में सोमवार को 13 बौद्ध भिक्षुओं को बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक दिया गया। ये बौद्ध भिक्षु जसाई आर्मी इलाके में जाना चाहते थे। सोमवार सुबह इन 13 बौद्ध भिक्षुओं को प्रतिबंधित इलाके में बिना अनुमति प्रवेश के चलते रोक दिया। अब प्रशासन और पुलिस इन सभी 13 बौद्ध भिक्षुओं से कागजात की जांच के साथ ही पूछताछ कर रही है। ये बौद्ध भिक्षु अपने गुरु पा सुथाम नाथी धोम मांग के नेतृत्व में वॉक फॉर पीस के तहत विश्व भर के पदयात्रा पर निकले हैं। अपने पहले फेज की पदयात्रा में अकेले उन्होंने पिछले साल थाईलैंड से वियतनाम लॉस एंजलिस होते हुए न्यूयॉर्क की अकेले ही पदयात्रा की थी। इनके अगले पड़ाव की पदयात्रा में धोम मांग अगुवाई बन गए और इनके साथ 12 बौद्ध भिक्षुओं का दल है। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि वह शांति का संदेश लेकर निकले हैं। भारत में उन्हें बहुत प्यार मोहब्बत मिल रही है। अब उन्हें सुरक्षा कारणों से रोका गया है। We walk from Thailand. We are the monk walk for peace around the world. Last year, we walk from Thailand to Laos to Vietnam, from Los Angeles to New York. This year, we walk from Thailand to Myanmar to here, India, we walk to Pakistan, Iran, Turkey, and finish at France in Europe. Okay, now what's happened here? We walk for peace and we send loving kindness to everybody. And now I will finish walk at here. The police tell me cannot walk. Yeah, I don't know why. Yeah. And every people in India very welcome and very nice people. Yeah. They smile and talk with us about peace. They tell me thank you for walk for peace. Okay. Thank you for walk for everybody. Okay. बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज बिस्त के अनुसार थाईलैंड से वियतनाम लॉस एंजलिस होते हुए न्यूयॉर्क की अकेले ही पदयात्रा के लिए 13 बौद्ध भिक्षुओं का दल निकला है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के पश्चिम में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें रोका गया है। बाड़मेर उप अधीक्षक विजय सिंह चारण के अनुसार इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए रोका गया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। थाईलैंड के हैं नागरिक, हम लोग पाँच अलग अलग देशों में शांति यात्रा के लिए निकले थे। कल साय को आए थे, उनको हमारे द्वारा सूचित कर दिया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए सक्षम अधिकारी अनुमति प्राप्त करें, अनुमति प्राप्त कर ही प्रस्थान करें। आज इनमें से कुछ उनके साथी थे जो कम्युनिकेशन गैप के कारण यहाँ से बिना अनुमति के प्रस्थान किए गए थे, उन्हें यहाँ पर लेके आया गया और नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई है। सर, अभी उनको क्या गाइडेंस किया जाएगा, यहाँ से इनके परमिशन वगैरह कुछ है इनके पास? अगर अभी इनके पास में परमिशन नहीं है, परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, सक्षम अधिकारी हैं वो अगर परमिशन न दे देते हैं तो उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमति नहीं होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के दल को यहां से वापस भेजा गया। वहीं अब यह दल अमृतसर से अटारी के रास्ते पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान के बाद यह जत्था ईरान होते हुए तुर्की जाएगा।